अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली फॉर यू। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। फ्रेंड्स, जीका के लिए मैं आफ्टर यूनिवर्सिटी आज का अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं आज मार रोड पर जाने वाला हूँ। आपको पता है जितने भी इस वीक में व्लॉग्स आपके साथ शेयर हुए हैं उसमें आई थिंक कैंट एरिया जो है हमारे मार रोड का वो अच्छे से कम्प्लीटली आपके साथ शेयर नहीं होने वाला। तो आज का व्लॉग हम यहाँ से कुशार यूनिवर्सिटी से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हम जाएंगे मार रोड पे और मार रोड पे थोड़ा सा आपके साथ रूम रेंट वगैरह जीपीओ चौक से डिस्कस करके देन हम आगे मूव करने वाले हैं कैंट एरिया की तरफ और वहाँ की खूबसूरती आपको दिखाने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये सामने कुशार यूनिवर्सिटी का जीका गली कैंपस है जो कि इससे पहले काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर हो चुका, लेकिन आज यहाँ पे फॉग स्प्रेड होती हुई दिखाई दे रही है जो कि देख के एक अलग से और ख़ूबसूरत मंजर क्रिएट हो रहा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। अच्छा फ्रेंड्स, आपसे अक्सर औकात में शेयर करता रहता हूँ कि ये जो जीका गली है ना, ये एक बैकवर्ड एरिया है, ये काफ़ी ठंडा इलाका है। अभी आप यहाँ का वेदर देख रहे हैं, कितने खूबसूरत फॉग है, लेकिन मेरी आप जब माल रोड पे पहुँचेंगे तो मैं भी आपको जो है वो धूप वगैरह भी देखने को मिले। मरी का वेदर तो आजकल हर 10 मिनट बाद चेंज हो रहा है, जैसा कि कल भी आपको बताया था। तो ये खूबसूरत मनाजिर हैं फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि फॉग बड़े अच्छे से स्प्रेड हो रही जो कि देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। चलते हैं माल रोड पर। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था ना कि जब भी हम मार रोड पे पहुंचने वाले हैं तो वहाँ पे आपको जीका गली की बनिस्बत काफ़ी सारा वेदर डिफरेंस मिलने वाला है। देख रहे हैं यहाँ पे क्लाउड्स वगैरह भी कम है और फॉग तो है ही नहीं। अभी चलते हैं वहाँ से डिटेल में व्लॉग थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर कैंट एरिया वाली साइड पर जाने वाले हैं, लेकिन इस साइड पर आपको थोड़ी सी फॉग मिलती है तो वो वहीं पर चल के नज़र आने वाली है। अच्छे फ्रेंड्स, जैसा कि आपसे स्टार्ट में कहा था कि आज के व्लॉग का हमारा जो मेन फोकस होगा ना वो कैंट एरिया वाली साइड पे ही होना है, लेकिन यहाँ पे मैं मरी की जो अपडेट्स हैं वो आपसे शेयर कर लेता हूँ, फिर आगे चल के कैंट एरिया वाली साइड पे जो मरी की खूबसूरती है, जो हमारे व्लॉग का इंटरटेनिंग पार्ट होगा वो वहाँ पे होगा। आपको पता है हमारे व्लॉग ज़रा इंफॉर्मेटिव भी होते हैं ना, तो आज के व्लॉग्स में जो हमने इंफॉर्मेशन देनी है रूम रेंट के रिलेटेड और इसके अलावा डिफरेंट किस्म की जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो हम यहीं पर डिस्कस करने वाले हैं, फिर हम दिन आगे कैंट एरिया वाली साइड पर जाएँगे और वहाँ पर आपसे जो खूबसूरती है मरी की वो शेयर करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल हमने बहुत ही खूबसूरत जगह शूट किए हैं, एक वाटरफॉल भी आपको दिखाया कल वाले व्लॉग में, और इसके अलावा खूबसूरत रोड के मनाजिर जो कि हमारा बैकवर्ड एरिया है, जीका गली वाली साइड वाला एरिया है जिसमें बहुत सारे जंगल आते हैं, तो उस जंगल के वो खूबसूरत मनाजिर थे जो कल के व्लॉग में हमने आपके साथ शेयर किए हैं, सो वो आप लोगों ने ज़रूर देखने हैं। फ्रेंड्स, वेदर डिफरेंट आपको तो काफ़ी सारा देखने को मिल रहा है जीका गली में और मार रोड पे, और रूम रेंट डिस्कस कर लेते हैं, कल भी डिटेल में नहीं डिस्कशन कर सके थे। रूम रेंट फ्रेंड्स, आपको पता है ये टूरिस्ट सीज़न जो है वो आउट हो चुका है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपको इतने ज़्यादा कोई टूरिस्ट तो नहीं देखने को मिलने वाले, तो अगर टूरिस्ट नहीं देखने को मिलने वाले तो ऑटोमेटिकली मरी का जो रूम रेंट है वो कम होता है। उसकी वजह ये है कि हमारा मरी का जो सीज़न है ना वो बहुत छोटा सा होता है, तो छोटे से सीज़न में इन्होंने रूम रेंट हाई करना होता है, उसकी वजह ये सीज़न ही छोटा सा होता है और इसमें इन्होंने पूरे साल का जो है वो कसर वगैरह जो कुछ भी है वो निकालनी होती है, तो आजकल आपको पता है वीकेंड भी नहीं है और इस वजह से रूम रेंट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम है। 3000 में आपको मार रोड के ऊपर इजीली रूम जो है वो मिल जाता है, अगर आप कम करवाने की कोशिश करें तो इससे भी कम हो सकता है। तो चंद एक होटल्स भी हमने रिव्यू किए हैं आप लोगों के साथ, चंद एक मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमने वही होटल आपके साथ रिव्यू किया जिसका स्टाफ अच्छा हो, जो हर किस्म की स्पेसिफिकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हो क्वालिटी वाइज, हर चीज़ से जो मुझे पसंद आया अपने लिए वो तभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। लेकिन मैं आपको गाइड करना चाहूँगा
वो काफ़ी पहले हमने शेयर किए थे, तो अब जो उनके मालिक वगैरह हैं ना वो चेंज हो चुके हैं। अब पहले जब हमने वो रिव्यू किए थे वो किसी और के पास थे, अब किसी और के पास हैं। ये एक साल का इनका सिस्टम होता है ना, एक साल एक बंदा चलाता है, फिर अगले साल दूसरा बंदा आके उसको किराए पर लेता है। तो इनके जो मार रोड के ऊपर मौजूद है ना, इनके तो बहुत ज़्यादा जो है वो रेंट ये लोग पे करते हैं जो एक साल के लिए लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा करोड़ों में होते हैं। तो इसलिए आपको रूम रेंट भी यहाँ पे ज़्यादा हाई देखने को मिल रहा होता है। तो आज वेदर जो है मार रोड का तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन झिका गली वाली साइड पे काफ़ी सर्दी वगैरह हमें देखने को मिल रही थी। उसकी वजह यही है क्योंकि अब हम आगे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सर्दियों की तरफ मूव करते जा रहे हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मैं माजरत करना चाहूँगा क्योंकि वहाँ से मुझे कुछ जानने वाले मिल गए थे, उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई तो मुझे अपना व्लॉग कट करना पड़ा। तो जो भी अगर मेरा जानने वाला देख रहा है तो कम से कम वो व्लॉग शूटिंग में मुझे आवाज़ ना लगाए ताकि मेरा व्लॉग डिस्टर्ब ना हो। ये मैं उन लोगों को आज मैसेज देना चाह रहा हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जहाँ पर भी आपको ना ये फ्लूड डोनेशन कैंप लगाए गए ना फ्लूड वालों के लिए, जो फ्लूड से मुतासर हुए हैं उनके लिए जो डोनेशन कैंप्स लगाए हुए हैं, अगर पॉसिबल है तो इसमें ज़रूर हिस्सा लें ताकि हम अपने मुसलमान भाइयों की जो है ना मदद कर सकें। इसके अलावा फ्रेंड्स, जैसा कि आज से तकरीबन 2-3 वीक्स पहले मैंने आपको काफ़ी सारा अपडेट किया कि मरी में जो है वो एक न्यू सीज़न आने वाला है, जिससे यहाँ पर जो रश क्राउड का सीन है वो कम्प्लीटली ऑफ होने वाला है। तो ये वीरानगी के मनाजिर होने वाले थे जो अब आगे रोज़ाना की बेस पे आपके साथ शेयर हुआ करेंगे। जस्ट वीकेंड पे कुछ थोड़ा सा हलचल देखने को मिल सकती है जी। तो देखते हैं कैसा रश क्राउड हमें देखने को मिलने वाला है। वैसे मैं आपको गाइड करना चाहूँगा, आज वेनसडे को ये आपका व्लॉग शूट हो रहा है। अच्छा, वेनसडे से याद आया, आज मेरा इंटरनेट का पैकेज भी ख़त्म हो गया जो कि करना है। और फ्रेंड्स, वेदर इतना कोई डिफरेंट आपको नहीं मिलने वाला जैसा कि जीपीओ चौक में और ये कैंट एरिया में, इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ का वेदर और वहाँ का वेदर कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला। बकाया जो हमारा ऑटम सीज़न है वो आ चुका है। दरख्तों से पत्ते झड़ते हुए आपको काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। जिस सामने दरख्त पे जो ग्रीन से येलो में पहले चेंज हुए हैं पत्ते, फिर येलो से ये ब्राउन में चेंज होंगे, फिर गिरेंगे। देखें, जो ब्राउन हो गए ना वो गिर चुके हैं और येलो जो हैं वो भी नहीं गिरे, ये बहुत जल्द जो हैं गिरने वाले हैं। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी अपडेट करना चाहूँगा कि ये जो मौसम है ये फैमिली वाले लोगों के लिए बेहतरीन है क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा रश क्राउड नहीं देखने को मिलने वाला। इसके अलावा कोई कॉलेज के ट्रिप्स आप लोग लाना चाहते हो, कॉलेज के, स्कूल के, किसी डिपार्टमेंट का कोई ट्रिप आना चाहता है तो उनके लिए भी ये बेहतरीन मौका है क्योंकि इस मौसम में आपको जो यहाँ का रूम रेंट है वो काफ़ी कम यानी मुनासिब मिलने वाला है। तो ट्रिप में आपको पता है ज़्यादा बंदे होते हैं, ज़्यादा पर्सन्स होते हैं, तो ज़्यादा पर्सन्स में ये जो डिपार्टमेंट जो भी कंडक्ट करेगा ना ट्रिप, उसको फ़ायदा होगा क्योंकि रूम रेंट उसको कम देखने को मिलेगा और आपके जो उसमें पार्टिसिपेंट्स होंगे ट्रिप में वो अच्छे से इंजॉय कर सकेंगे हर चीज़ को, क्योंकि रश क्राउड में बंदा हर चीज़ को अच्छे से इंजॉय नहीं कर सकता, तो इस चीज़ में आप इंजॉय कर सकोगे। तो वैसे हमें तो ये वीरानगी के मनाजिर अच्छे नहीं लगते फ्रेंड्स, काफ़ी हमने मरी को वीरान देखा कोविड की वजह से भी, और इसके बाद सीज़न आउट कह लें या बाइकआउट कह लें, जो भी आप कहना चाहेंगे, हमें मरी से बाइकआउट भी देखने को मिल रहा था, आउट सीज़न जो भी, ऐसे हर साल ऐसे ही होता है, सीज़न आउट हो चुका होता है। तो काफ़ी सारे लोग जिनके यहाँ से डिसहर्ट हो के जो लोग जाते हैं वो इसको बाइकआउट का नाम देते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कल की भी खूबसूरत से व्लॉग में, कल का व्लॉग बहुत खूबसूरत था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मरी के अंदर जो है वो नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह से नहीं देखने को मिला। तो आप देख रहे हैं ये मेरे ऊपर भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसे मौसम में नुकसान के ज़्यादा खदशात होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिला। यहाँ पे आप ये पढ़ भी सकते हैं, बकायदा ये चीज़ हाईलाइट करने की कोशिश की गई है कि ऊपर लैंडस्लाइड एरिया, पत्थरों के गिरने और दरख्तों के टूटने का ख़तरा है, खसूसन बारिश के दौरान रेन शेल्टर्स
और तस्वीर के साथ खड़े हों और तस्वीर के साथ खड़े ना हों, सॉरी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक ऐसा एरिया जहाँ पे ऐसा ख़तरा था। ये खूबसूरत खूबसूरत पत्थर जो हैं ये गिरने वाले थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। तो पाकिस्तान के काफ़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। ये आगे चेयर लिफ्ट की तरफ रोड जा रही है, तो आजकल टूरिस्ट ना होने की वजह से चेयर लिफ्ट भी है जो वो कुछ देर के लिए चलाई जाती है। काफ़ी सारे टूरिस्ट जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर एक ही दफ़ा चलाई जाती है। तो देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, ये वीरानगी के मनाजिर हैं पूरे के पूरे मार रोड के। तो ये इंशाल्लाह जब स्नोफॉल का एक न्यू सीज़न आएगा तो फिर ये जगह जो है भरेगी, फिल होगी। तो वो अपडेट्स इंशाल्लाह इसी चैनल ओनली फॉर यू के ज़रिए आपके साथ शेयर होती रहेंगी। तो ये था आज का हमारा व्लॉग, मुझे उम्मीद है कि ज़रूर पसंद आया होगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।